गुड आफ्टरनून माई डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टूडमी ट्वेल्थ लाइफ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती है जहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है काफी सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए जेई के लिए नीट के लिए है ना तो आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आज की क्लास का ना कुछ स्पेशल अट्रैक्शन भी है चैट बॉक्स में परसों मैंने एक मैसेज पढ़ा था जब चैट्स चलती है तो मैं भी तो चैट्स पढ़ती रहती हूँ तो परसों मैंने चैट बॉक्स में एक मैसेज पढ़ा था कि मैम उस वाले कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर क्लेचर भी बताओ जिनमें दोनों तरीके के मतलब कैटाइन और एनाइन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं मैंने कहा हाँ यार हा मतलब एन में इतना ज़्यादा ये कभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं गया है सी एग्ज़ाम्स में बट यार आना तो चाहिए मेरे बच्चों को अगर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो माय बच्चों शुड बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पे ही कमांड नहीं करें वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से नीट का भी बेसिक एंड जे मेंस का भी जो भी है वो सब उनको आता हो वो सारे पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते इस तरीके से मुझे अपने बच्चों को ट्रेन करना है पढ़ाना है ठीक है तो इफ़ यू कैन सी मी इफ़ यू कैन हेयर मी प्रॉपर्ली फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में प्रियंका धर्मेंद्र दिशा आस्था ये मेरे ऐसे स्टूडेंट्स है ना सच्ची इतने एकदम टाइम के पंचुअल और एकदम दो बजे मैम जैसी मैम आती है मैम से पहले पहले आ जाते हैं वेरी गुड बेटा इप्सिता गुड आफ्टरनून बेटा रविकेश विशाल अभिनव झा गुंजन वेरी गुड आफ्टरनून मंडे आफ्टरनून है ना मंडे से एकदम पढ़ाई वढ़ाई वाला खैर तुम लोग के तो सैटरडे संडे भी क्या होते हैं सैटरडे संडे को बल्कि ज्यादा पढ़ाई करनी होती है राइट है ना संडे आ गया तो चलो भैया आप ज़्यादा पढ़ाई करो स्कूल नहीं है है ना तो चलिए जी आगे बढ़ते सेशन को फटाफट फ़ड़ शेयर कर दो क्योंकि सेशन का खास अट्रैक्शन है कि मैं तुम्हें वो वाला नोम सिखाने वाली हूँ जब उसका जिक्र आएगा ठीक है इन द मिडिल ऑफ द सेशन मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स बताऊंगी और खास बात है कि इस तरीके का नोमन क्लेचर आपको बुक्स में मेथड्स नहीं मिलेंगे रूल्स नहीं मिलेंगे मतलब बुक्स स्टडी करोगे तो आपको बेसिक रूल्स बेसिक सेट ऑफ रूल्स मिल जाएंगे एंड आपको एग्जाम्पल्स फिर वैसे वो पूछेंगे बट नो वेर एक्सप्लेन कि यार इसको नोम क्लेचर करने का तरीका क्या है दैट इज़ बाय वो चैटबॉक्स में कमेंट कमें आया था बच्चों का कि मैम वो चीज़ भी सिखाओ तो चलो वो चीज़ भी सिखाएंगे फिलहाल वी गेट स्टार्टेड विद आइसोमेरिज्म मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम डॉ मोनिकी इन केमिस्ट्री आई एडमिन टीचिंग लास्ट फोर्टीन ईयर आई एम द कैंडिडेट्स कंडिडेट क्वालिफाइड एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय अमंग टॉप ऑल ओवर इंडिया एंड आई एम अमंग द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स एट दॉप अकेडमी इज वेल एंड एंडली डॉट मी अ टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से कर लो यार मतलब सोचो कि आप भूल गए आपके दिमाग से निकल गई बात की यार क्लास थी है ना घड़ी में बच गए दो घड़ी देखी नहीं यार अपन तो किसी बड़े इंटरेस्टिंग से काम में बिजी थे ठीक है और पता लगा कि यार अरे यार लेट हो गए पंद्रह मिनट की क्लास निकल गई तो ये वो ग्रुप है जिस पर जुड़ जाओगे तो पंद्रह मिनट की क्लास मिस नहीं होगी दो के सवा दो बजे घड़ी देखी कि और सवा दो बज के मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है यार तीन बज गए या चार बज गए फलाना टीचर आने वाले हैं फलाने सर आने वाले हैं फलानी मैम आने वाली है तो यार इस पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है वो आपको फटाफट से आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ये सरप्राइज था जो कि थोड़े दिन पहले हम रिवील कर चुके आपके सामने आज शाम से माइक्रो कोर्स स्टार्ट हो रहा है डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इनऑर्गेनिक को धड़ल्ले से कर रहे हैं दो बजे कोऑर्डिनेशन और रात को नौ बजे डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स इस माइक्रो कोर्स का जो स्पेशल अट्रैक्शन है वो ये रहेगा कि तीन क्लासेज में हम इसको खत्म करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि काट छाट के भगा भगी करके और खत्म कर दिया ऑफकोर्स वी विल बी गोइंग इन वेरी मच डिटेल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस माइक्रो कोर्स विल बी बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो सवाल प्रैक्टिस कराऊंगी पढ़ाते पढ़ाते तो बड़ा मजा आने वाला है इसको शेयर कर देना इस वाले इवन को जितना हो सके इसका लिंक अपने फ्रेंड्स में बांट देना क्योंकि मंडे वेन्सडे फ्राइडे तीन दिन में हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं ठीक है देन दीज आर द टॉपिक्स जो कि रिकॉर्डेड मिल जाएंगे तुमको ये सारे टॉपिक्स तुमको क्या मिल जाएंगे स्पेशल क्लासेस में डिजिटल वीडियो बुक में ये रिकॉर्डेड है जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स पी ब्लॉक वगैरह कभी भी आप कोई चैप्टर करने बैठे इनसे रेफर रेफरेंस ले लें यार कल से नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है कहां पे प्लस प्लेटफॉर्म पे प्लस प्लेटफॉर्म का एक मेन फीचर है कि छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स हम वहां लॉन्च करते रहते हैं ताकि बच्चों का रिवीजन भी साथ साथ हो अब देखा जाए तो हम आ, सर्फेस केमिस्ट्री पढ़ा चुकी चुके मैं प्लस पे लेकिन कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहता है कि नहीं यार बच्चे भूल नहीं नहींजिए फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि जब हमारा टारगेट इतना जबरदस्त है हमें सौ में से सौ नंबर लेके आने तो हम कोई लूपुल नहीं छोड़ सकते हम कहीं कमी नहीं छोड़ सकते तो ऐसे ऐसे कोर्सेज लॉन्च होते रहेंगे और इन कोर्सेज में और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है ये कोर्सेज बहुत एनरिच्ड कोर्सेज होंगे इसमें जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वहां ये खास बात ध्यान रखी जाएगी कि यार वही बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सवाल आ चुके हैं वो बच्चों को होमवर्क दिए जाएंगे क्लास में डिस्कस किए जाएंगे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे पीवाई क्यूज दिए जाएंगे डाउट क्लास होगी इन सेशन में जहां पे बच्चे डाउट पूछ सकते हैं अफकोर्स जब आप पढ़ते हैं तो डाउट तो सबको आते हैं भैया जो ढंग से पढ़ाई करता है उसको डाउट भी आता है तो डाउट

क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया है कि एक बार शुरू से सब कुछ शुरू होगा ठीक है तो अभी तक अगर अपने आप को आपने एनरोल नहीं किया है अभी तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो देर मत करो फटाफट से ले लो ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं कल से सर्फेस लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट मंथ से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लॉन्च कर रही हूँ तो ये एक एक, -एक चैप्टर के कोर्सेज बहुत बेनिफिशियल होंगे बहुत बेनिफिशियल होंगे ठीक है तो फटाफट से आप सब्सक्रिप्शन ले लो और ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीचर है सब्सक्रिप्शन लेने पर रेफरल कोड बिल्कुल नहीं भूलेंगे कौन सा रेफरल कोड है एम बी लाइव यानी एम बी लाइव रेफरल कोड लगा के टेन परसेंट आपको ऑफ मिल जाना है सिक्स मंथ्स का टोटल ड्यूरेशन रहेगा मतलब सिक्स मंथ्स वाला परफेक्ट रहेगा आपके लिए नाइन थाउजेंड रुपीज सिर्फ ओनली नाइन थाउजेंड रुपीज चार्जेज है नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड मतलब पंद्रह सौ रुपये महीने में आपको सब कुछ शुरू से शुरू ठीक है छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स वेरी एनरिच जैसे वो होते हैं ना छोटी सी गोली लेकिन बहुत ताकतवर तो वैसे ही एक छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स है जिसमें सारा चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं फिर असाइनमेंट्स दे रहे हैं फिर डाउट सॉल्विंग सेशन है फिर क्विजेज हैं तो ये आप मतलब अटेंड करते जाए तो आपका बहुत ही अच्छी से तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन की ठीक है तो सिक्स मंथ्स वाला परफेक्ट है नहीं लिया तो फटाफट से ले लेना देरी नहीं करो अभी कल से तो ऑफिस केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो रहा है और नवंबर में स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको पर्सनल मेंट पेरेंट कनेक्ट लाइव डाउट सॉल्विंग स्टडी प्लानर वीकली रिपोर्ट ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस तो मिलते ही हैं जो होते हैं ठीक है इसमें भी आप एम बी रेफर कोड एम बी लाइफ रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो सिक्स मंथ्स वाला आपको फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेंड पड़ेगा जो कि कोई महंगा नहीं है पंद्रह हजार रुपये में एक सब्जेक्ट की कोचिंग भी नहीं होती देखा जाए तो ठीक है यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और सारा सिलेबस कवर हो रहा है ठीक है चलो जी रेडी एवरी वन एवरी वन रेडी टू स्टार्ट आइसोमेरिज्म इसको जल्दी से शेयर करो सेशन को फटाफट से शेयर कर दो कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है ऋषिराज आस्था सीमा जयपवार प्रेक्षा खुश रोबिटा हर्ष वेरी नाइस वेरी नाइस काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और अब हम आगे बढ़ाते हैं हमारे आज के सेशन को आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म के बारे में आप सब लोग आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है या फिर स्पेस में ओरिएंटेशन थ्री डी अरेजमेंट डिफरेंट हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्पेस में या तो उसका थ्री डी अरेजमेंट अलग हो या फिर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले दो डिफरेंट दिखते हुए कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज में फर्क होता है वो क्या कहलाते हैं आइसोमर्स कहलाते हैं टू या टू से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स जिनके आइडेंटिकल फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं आइसोमर्स एंड फिनोमिना को हम क्या कहते हैं ठीक है अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म डिवाइडेड होता है कितनी कैटेगरीज में मेजर कैटेगरीज में पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म ठीक है कौन सा? Really जो आपके के में हैं. आगे जो हम शुरू करने वाले हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने वाले है. इसकी नॉलेज आपको वहां बहुत काम आने वाली है ट्रस्ट में ठीक है तो आइसोमेरिज्म को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर अलग होते हैं भाई नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रक्चर अलग होंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा लाएगा आइसोमेरिज्म का मतलब है स्पेशियल ओरिएंटेशन लीगेंस का अलग है मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम है स्ट्रक्चर सेम है लेकिन थ्री डी में जो ओरिएंटेशन है ना वो डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल को चार कैटेगरीज में इनफैक्ट चार से भी ज्यादा कैटेगरीज होती है बट आपके चार ही बहुत ठीक है आपके लिए, तो आयोनाइजेशन हाइड्रेशन लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन आर द द चार कैटेगरीज कैटेगरीज इन दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इज इज डिवाइडेड एंड एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आर टू स्टीरियो डिवाइडेड तो आगे चलते हैं अब स्ट्रक्चरल आइसोमर से शुरू करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे जब आप आइसोमर्स पढ़ोगे तो आपका आपको, आपको लगेगा हाँ भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारी कमांड आ रही है ठीक है तो देखिए दीज आर द आइसोमर्स जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लीगेंस होते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल आई होप यू रिमेंबर दैट कि यार सेंटर में मेटल होता है और मेटल के साथ एन नंबर ऑफ लीगेंट्स होते हैं कॉर्डिनेशन स्फेयर होता है और बाहर क्या होता है काउंटर आयन होता है ठीक है बाहर क्या होता है काउंटर आयन होता है याद रहे एक और टाइप के कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिसमें कैटायन और एन आयन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फेयर के फॉर्म में होते हैं जिसका नोमेनक्लेचर मैं आज आपको बताऊंगी ठीक है

कोई एक ग्रुप या एटम एक बाहर तो काउंटर एन की तरह एक्ट कर रहा है फिर वो तो अंदर आ गया और अंदर का लीगेंड जो है वो बाहर चले गया तो आप देखें कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस में क्या सिमिलैरिटी है कोबाल्ट दोनों में सेंट्रल मेटल है दोनों के पास पांच पांच उम्मीदन है दोनों के पास एक एक सल्फेट है और दोनों के पास एक एक ब्रोमाइड है लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में डिफ्रेंस का काम कर रहा है इसमें ब्रोमाइड काउंटराइन का काम कर रहा है लेकिन इसमें ब्रोमाइड लीगेंड का काम कर रहा है तो इनके तो नाम भी अलग हो गए क्योंकि काउंटरायन और ये सब चीज अलग है तो जाहिर है कि नाम भी इनके अलग ही होंगे ठीक है उसके अलावा इनके कलर्स देखो ये वॉलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स होता है अब कोई तुमसे ये बोले कि भाई तुम कैसे प्रूफ करोगे कि ये आइसोमर्स हैं तुम बोलना सिंपल है यार टेस्ट लगा के कैसे टेस्ट लगा के अगर तुम सल्फेट आयन का टेस्ट लगाना चाह रहे हो बेरियम क्लोराइड डाल दो बेरियम सल्फेट का क्रीम कलरड पीपीटी आ जाएगा जो कि इसमें नहीं आएगा क्योंकि जो आ, क्या जो टेस्ट आयन के जो टेस्ट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं होते नाइट्रेट आयन का टेस्ट सल्फेट आयन का टेस्ट ब्रोमाइड आयन का टेस्ट क्लोराइड आयन का टेस्ट इस तरह के टेस्ट जो होते हैं वो तो काउंटर आयन ही देता है ये तो टूटते ही नहीं है आई होप यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट पक्के हो रही है अच्छे से ये तो टूटते ही नहीं है इनके और इनकी लिंकेज कैसी होती है नॉन आयोनाइजेबल लिंकेज होती है मेटल और लिगेंड की तो लिगेंड तो छूट के निकलता ही नहीं है तो टेस्ट कौन देगा जो आयोनिक फॉर्म में होगा आयोनिक फॉर्म में कौन होता है काउंटर आयन होता है भाई साहब ये तो मेटल के साथ चिपका बैठा है तो कौन फ्री है ये फ्री है। टेस्ट देने के लिए फ्री है ये तो फ्री नहीं होते हैं ये तो मेटल के साथ बॉन्ड बना के बैठे हुए ठीक है तो ये कौन सा टेस्ट देगा ये सल्फेट एन का टेस्ट लगाओ बेरियम क्लोराइड डालो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट व्हाइट क्रीम पीपीटी बन जाएगा ये नहीं देगा वो टेस्ट सिमिलरली अगर तुम सिल्वर नाइट्रेट डालो इसमें कौन से वाले में इस वाले में तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का पीपीटी दे देगा दे ये नहीं देगा तो दिस वे यू कैन यू you नो know, डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई डिफरेंट आइसोमर्स ठीक है इस तरह के सवाल पहले बोर्ड में आए हुए हैं कि गिवन एविडेंस टू शो दैट दे आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स जो भी बोर्ड्स हैं जिनमें ये स्टिल अभी कोर्स में है तो वो इस चीज को समझे कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गिव एन एविडेंस दै दिजर आयोनाइजेशन आई सुमर्स तो आपको क्या एविडेंस देनी है आप कोई ना कोई टेस्ट लगा के बता दो कि ये फला कंपाउंड तो ये टेस्ट देता है और दूसरा कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता है क्लियर हो गया तो थम्स अप करो फटाफट -फड़ से अच्छे से क्लियर हो गया है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप चाहिए ठीक है स्माइल्स चाहिए मुस्कुराहट तुम्हारी देखूंगी नहीं मैं आगे मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी फटाफट -फड़ से बता दो जल्दी से समझ में आ गया है कि नहीं आ गया ठीक है बहुत सिंपल फंडा है कोई आयन अंदर चला गया पहले वाले में देखो इसमें सल्फेट आयन बाहर है उसमें सल्फेट आयन अंदर है इसमें ब्रोमाइड अंदर है उसमें ब्रोमाइड बाहर है मॉलिक्यूलर मोलिकुलर इज एब्सोल्युटली से बिल्कुल लुल टाइप की चीज है इजी एकदम ठीक है थम्स अप करो और स्माइल कर दो जल्दी से आज आप लोगों ने मेरे को बिल्कुल स्माइल नहीं दी है नहीं बेटा ये काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे बच्चे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आइसोमेरिज्म पढ़ाओ देन आई फेल्ट सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस में नहीं है देन आई फेल्ट कि भाई बहुत सारे बोर्ड्स में भी है और दूसरी बात है कि कोई भी चीज सीखनी कभी बुरी नहीं होती तीसरी बात है बी और सी में इसका नॉलेज तुम्हारे बहुत काम आने वाला है तो इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ इसको और ए, वैसे ये दो तीन सेशंस में पढ़ाया जा सकता है बट मैं इसको एक ही सेशन में पढ़ाऊंगी ठीक है ताकि नॉलेज भी एकदम साउंड हो जाए जेई मेंस में तो है नीट एंट्रेंस में तो है ठीक है जब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अन क्विज होगा ना तब इसके सवाल आएंगे फिर कैसे करोगे ठीक है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स यहाँ पे अपना वो सर, जो आज की क्लास का अट्रैक्शन है कि हम उन वाले कंपाउंड्स का नोम टलेचर सीखने वाले हैं जिनके अंदर कैटायंस और एनायंस दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं तो और इसके बारे में खराब बात यह है कि इनके नोमटलेचर का तरीका बुक्स में सेट ऑफ रूल्स नहीं है तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे एनसीआरटी में भी देख लेना कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है और भी किसी बुक में देख लेना जिसका रेफरेंस तुम लेते हो कोई सेट ऑफ रूल्स कहीं मेंशन नहीं है नॉर्मल जो रूल्स होते हैं वो है, और इनका नाम ठीक है तो चलो देखते हैं इनका नाम कैसे बताएंगे सिखाएंगी? है ना? और कौन सिखाएगा चलो अगला है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पहला कौन सा पढ़ा था अपन ने आयोनाइजेशन आइसोमर जिसमें लीगन अंदर लीगन बाहर एक बार कोई भी एंटाइटी है अगले कंपाउंड में वही एंटाइटी एज अ काउंटर एन एक्ट कर रही है ठीक है चलो जी

इनमें दोनों चीज कैटाइन और एनाइन कैसे होते हैं दोनों ही चीजें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होती हैं ठीक है उनमें पाया जाता है अब तुम अगर देखो तो एनवायरमेंट बदल रहा है यहां कोबाल्ट के साथ अमोनिया बॉन्डेड है और क्रोमियम के साथ साइनो इसमें देखो तो क्रोमियम के साथ अमोनिया बॉन्डेड है और कोबाल्ट के साथ साइनो मतलब इसकी टोपी उसके साथ एक्सचेंज मार लिया इन्होंने कैसे एक्सचेंज मार लिया कोबाल्ट ने साइनो रख लिया ये देखो और क्रोमियम ने मीन रख लिया ये देखो ये हो गया एक्सचेंज इसकी टोपी उसके साथ कौन सा आइसोमेरिज्म के लिए हम कैसे देंगे? यार मेरे को पढ़ाने मजा नहीं आता। मैं तो बोलूंगी एनवायरमेंट बदल गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एनवायरमेंट बदल गया ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भाई अब मुझे मैं क्योंकि इसके इसका नोमेनक्लेचर पढ़ाने जा रही हूँ तो मेरे को फटाफट -फड़ से अप कर दो बॉक्स के अंदर जल्दी से कम्सअप कर दो चैट बॉक्स के अंदर अब देखो सपोज अब इसका नोमलेचर कैसे होगा इस वाले का हम नोमलेचर करते हैं ठीक है थीके? इसके रूल्स कहीं पे मेंशन नहीं है पर इसके रूल समझना पहली चीज तो ये याद रखना बेटा ध्यान से सुनो अब पहली चीज तो ये याद रखना कि अगर दोनों ही चीजें कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो इन दोनों पे चार्ज होना जरूरी है चार्ज होना जरूरी है नहीं तो ये चिपकेंगे ही नहीं आपस में ठीक है दैट कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स हैज टू बी ठीक है नंबर वन चीज लिख ली गई नोट कर ली ये एडवांस नोमचर है ठीक है कि दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे क्या होना चाहिए चार्ज होना चाहिए चलो जी अब दोनों पे चार्ज करने के लिए क्रोमियम की जो आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो होती है प्लस थ्री एंड प्लस सिक्स ये अब आपको मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रही हूं क्रोमियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन आई होप राइटिंग साथ साथ में लिख लो जो क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है, 3 6, ठीक है? अब अगर मैं मैं ट्रायल दूंगी इसके अंदर अगर मैं कहूं इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है लेट से कि क्रोम ये वाला क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है लेट से ऐसे में प्लस सिक्स और माइनस सिक्स मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों चैट बॉक्स में बताओ अगर लेट से कि क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है क्योंकि क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होती है और प्लस थ्री होती है इन दैट केस क्रोमियम की 6 और क्योंकि साइनो तो सी एन माइनस होता है ना सी एन माइनस होता है तो साइनो छह साइनो है ठीक है छह साइनो है और सिक्स प्लस और सिक्स माइनस तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या हो जाएगा ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फेयर यार तुम तो आपस में बात करने लग जाते हो एग्जाम की डेट डिसाइड हो रही है बॉक्स में। मैं तुम्हें इतना सेंसिटिव टॉपिक पढ़ा रही हूँ जीरो यस न्यूट्रलाइज हो जाएगा ठीक है और ये हो ही नहीं सकता कि ये वाला कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन जीरो जीरो हो क्योंकि अगर पे चार्ज होगा तो वो इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर से बाइंड कैसे करेगा चिपकेगा कैसे इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आएंगे मींस एक सिंपल फंडा है सिंपल फंडा इट इज रिटन नोवेयर इन द बुक यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन ठीक है कि भैया दोनों पे चार्ज होना कंपलसरी है ठीक है अब इस पर अगर सपोज मैं कहूं लेट से कि इसको तो अपन रब कर देते हैं लेट से कि इस पर प्लस थ्री चार्ज है अब अगर इस पे प्लस थ्री चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या चार्ज आता है प्लस थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री कितना चार्ज आया माइनस थ्री यानी कि इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज आया माइनस थ्री तो जाहिर है इस वाले कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज क्या आएगा प्लस थ्री ठीक है और क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लीगेंट है तो सीधा का सीधा वो चार्ज किसको मिल जाएगा कोबाल्ट को मिल जाएगा समझ में आया सीओ एन एच थ्री सिक्स सीआरसीएन सिक्स सी ओ एन एच थ्री सिक्स सी आर सी एन सिक्स ये एक टिपिकल टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कैटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं मैंने कहा क्रोमियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो या तो प्लस थ्री होती है या फिर प्लस सिक्स होती है अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होती तो प्लस सिक्स और माइनस सिक्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे और उस जीरो चार्ज छोड़ते वजह से इस पे जो आता, मतलब ये चिपक ही नहीं पाता तो नंबर इंपॉर्टेंट दैट अडिनेशन फेयर है उसके मैंने पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर दी कि प्लस सिक्स की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो मैंने इस पर कौन सा चार्ज लगाया प्लस थ्री प्लस थ्री लगाते ही प्लस थ्री माइनस सिक्स कितना माइनस थ्री तो अपन ने कंक्लूड कर लिया कि इस पे माइनस थ्री है तो इस वाले कोऑर्डिनेशन फेर पे प्लस थ्री होगा क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लीगेंट है तो कोबाल्ट पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस थ्री अब तुम्हारे जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो इस पे वैलिड है तुम बोलो पहले कैटाइन को नाम देते हो फिर एनाइन को नाम देते हो ठीक है तो बोलो हैग्जा अमीन कोबाल्ट थर्ड हेग्साइनोक्रोमेट थर्ड इसका क्या नाम हो जाएगा हेग्जा अमीन कोबाल्ट थर्ड थर्ड अब एट भी तो लगाना होता है नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्सेस में अपन को तो फटाफट फड़ से मुझे थम्स अप करो कि यस मैम हमको ये वाला तो क्लियर हो गया तो अब मैं तुमको ये वाला समझाती हूँ जल्दी से दो तीन एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी फिर आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक है थ्री एग्जाम्पल्स आई विल डू देस बाईर ओन समझ आया बेटा नोट्स कल से मिल जाएंगे है ना? आ, से ना कह रही मुझे लग रहा है हार्ड होगा इजी है ना इजी है या थोड़ा बहुत क्रेडिट मैम को देते हो कि हाँ मैम आपने इजी बना दिया है, है ना पानी पी लेती हूँ अगला एग्जाम्पल और सेशन को लाइक नहीं किया है तो यार आज इस इन एग्जाम्पल के लिए सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे कि यस मैम मजा आ रहा है समझ में आ रहा है सेशन लाइक ठीक है चलो जी अब इसको देखते हैं प्लेटिनम है अब बेटा की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, वो तुमको पता होना चाहिए प्लेटिनम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लस टू या फिर प्लस फोर होती है इसको भी खाली पेज लगा के करें पीटी पिरीडीन फोर पीटीसीएल फोर पीटी पिरीडीन फोर पीटीसीएल फोर काम करते हैं देते हाँ पीटी पीरडीन फोर पीटी सी एल फोर तो प्लेटिनम पे कौन सा चार्ज चार्ज आ रहा है प्लस टू प्लस प्लस एंड अब देखो अगर मैं इस को प्लस फोर चार्ज देती हूं, तो प्लस फोर और माइनस फोर फिर अगेन सेम फंडा हो जाएगा ये तो न्यूट्रल हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इससे चिपकेगा कैसे बाइंड होने में इश्यू हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का तो, तो दैट मीनस दिस थिंग इज एलिमिनेटेड तो अब कौन सा सीन है अब कौन सा सीन है अब इसका मतलब इस पर प्लस टू चार्ज होगा ठीक है

इस एक्सपीरियंस के चलते ही बिटू ये फैसला लिया है कि शाम को डी ब्लॉक चलेगा नौ से दस और दो से तीन आपका कोऑर्डिनेशन चलेगा क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे बच्चों के मन में कुछ एक कन्फ्यूजन क्लियर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं वो क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार मैम हमें कैसे पता लगेगा कौन सी मेटल कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो ये तो मेरे बच्चे घबरा जाएंगे कि मैम को तो याद है पर हमको थोड़ी पता है तो आपको पता लगेगा क्योंकि डीएफ जो डीएफ आपका एलिमेंट्स चैप्टर है दिस इज ऑल अबाउट दैट मैंने पैरेलली शाम को स्टार्ट कर दिया था कि कहीं कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा मेरे स्टूडेंट्स का ठीक है बच्चों चलो तो अब देखो ये नाम क्या हो गया ट्रेट्रापिडीन प्लैटिनम सेकेंड ट्रेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड अब तुम इस वाले कॉम्प्लेक्स अगर तुमने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा रही हूं ठीक है क्योंकि मैं अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम देना सिखा रही हूँ इस वाले कॉम्प्लेक्स का इसको देखो ठीक है मिटा दू इसको मैं पी ब्लॉक बेटा नवंबर में स्टार्ट होगा शिवांगी पी ब्लॉक वी विल बी स्टार्टिंग इन नवंबर बेटा डीएफ ब्लॉक तभी तो शाम को शुरू करवा रहे हैं ना मेटलर्जी इज डिलीटेड ना मेटलर्जी इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस इफ यू विश टू स्टडी इट फ्रॉम मी तो मैं कोर्स खत्म होने के बाद पढ़ा दूंगी ठीक है नॉट टू वरी मोर्निंगा मैम इज देयर नथिंग टू फेयर ओके अब इसको देखो जरा क्रोमियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई थी प्लस टू प्लस थ्री तो प्लस थ्री प्लस सिक्स तो क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं प्लस थ्री एंड प्लस सिक्स ठीक है अगर मैं बोलूँ प्लस सिक्स है तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे भी तो हमने यही किया था प्लस सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा जीरो और प्लस सिक्स माइनस सिक्स जीरो होने के कारण चार्ज न्यूट्रल होने के कारण ये इससे चिपक नहीं पाएगा ठीक है इसका मतलब जाहिर है कि ये वाला क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जरा इसको हटा लेते हैं ये वाला क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस थ्री में ठीक है प्लस थ्री माइनस सिक्स क्या माइनस थ्री अब पॉइंट टू नोटेड गौर करो गौर कॉन्सेंट्रेट गौर करो, गौर करो इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे कौन सा चार्ज है क्रोमियम सी एन सिक्स पे कौन सा चार्ज है माइनस थ्री लेकिन ये साइमल्टेनियसली तीन कोऑर्डिनेशन स्फेयर से बॉन्डेड है ये देख रहे हो इसको देख रहे थ्री को जिसको मैंने अंडरलाइन किया है Is this three absolutely visible to you? जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, मैं इसको इसको यार रब कर रही नोट कर लेना मैं इसको रब कर रही हूं है क्योंकि बहुत सारा क्लस्टरिंग हो गया है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकते हैं right. है। चलो अब देखो इधर यहाँ थ्री था ना इधर कर देते हैं थ्री अरे एक थ्री है ना अब देखो जरा माइनस थ्री का चार्ज था और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन फेयर ही टोटल तीन है तीन है विच मींस कि प्लस माइनस थ्री के कारण एक प्लस वन एक को मिलेगा फिर इसको भी प्लस वन मिलेगा फिर इसको भी प्लस वन मिलेगा आप इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो ये एक एन तीन कैटायन से बॉन्डेड है एक एनआईन तीन कैटायन से बॉन्डेड है इन दैट केस इस पर अगर माइनस थ्री है तो हर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे प्लस वन प्लस वन प्लस वन होगा थम्सअप फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो तो अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कोबाल्ट को हम करते हैं एक्स अमोनिया होता है न्यूट्रल छोड़ दो माइनस टू फॉर क्लोरीन इज इक्वल टू प्लस वन क्योंकि एक कॉर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को तो प्लस वन का ही चार्ज मिला है तो एक्स इज इक्व टू प्लस थ्री ठीक है नाम क्या दोगे भाई पहले कैटाइन को नाम दोगे फिर एनायन को नाम दोगे तो वॉट विल बी इट्स नेम इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड हेग्जा साइनोक्रोमेट थर्ड टेट्रामीन क्लोराइडो क्रोमियम थर्डा साइनोक्रोमेट थर्ड क्लियर हो गया जल्दी से बता दो क्लियर हो गया तो अब हम आगे चलते हैं अभी तुम्हारे नोमक्लेचर में कुछ नहीं छोड़ा अपन ने सब तरीके के नोमक्लेचर ब्रिजिंग लीगेंस के कॉम्प्लेक्स के टाइन कॉम्प्लेक्स एंड आयन के एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड अप ओके फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर योर जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर योर सीबीएससी बोर्ड एग्जामिनेशन एवरीथिंग कवर्ड रिगार्डिंग नोम छोटा गोवा है क्लियर चलो अब आते हैं थर्ड आइसोम जिसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोम ने एम्बीडेंटेट लीगेंट्स का नाम सुना हुआ है एम्बीडेंटेट लीगेंट्स जैसे कि सी एन माइनस जिसके पास ना दो डोनर साइट अवेलेबल तो होती है लेकिन वो एट द टाइम किसी एक डोनर साइट का ही सहारा लेता है ठीक है एट द टाइम अब जैसे किसी को थप्पड़ लगाना हो ठीक है थप्पड़ लगाना है तो ये हाथ यूज करना है राइट वाला तो या तो तुम सीधा थप्पड़ मार सकते हो या तो तुम खचाक उल्टा थप्पड़ मार सकते हो सेम टाइम पे तुम सीधा उल्टा थप्पड़ नहीं मार सकते या तो सीधा लगेगा या उल्टा लगेगा सिमिलरली एम्बिडेंटेड लिगेंड के पास दो डोनर साइड्स होती हैं लेकिन एट द टाइम वो एक ही यूज कर सकता है ऐसे लिगेंस को हम क्या कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंस अब एम्बिडेंटेड लिगेंट अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देखो ये भी इसका एग्जाम्पल है एनओ टू भी तो कभी ये नाइट्रो से अटैच हो और कभी ऑक्सीजन के थ्रू मेटल से अटैच हो मेटल से इसका अटैचमेंट कभी तो नाइट्रो के थ्रू हो रहा है नाइट्रो इज एक्टिंग एज अ डोनर साइट और कभी ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ नाइट्रोजन इज एक्टिंग एंड समाइम ऑक्सीजन इज एक्टिंग तो अब तुम इसमें देखो यहाँ पे नाइट्रोजन इज डोनर साइट यहाँ पे ऑक्सीजन इज डोनर साइट तो हो गए ना डिफरेंट मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन एम्बिडेंटेड लीगेंट के अटैचमेंट का डोनर साइट अलग अलग है पहले वाले कॉम्प्लेक्स में नाइट्रो एम्बीडेंटेड लीगन नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है और दूसरे वाले में ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा है जिसकी वजह से कौन सा आएगा नाम ही क्या है है लिंकेज 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 का मतलब है, मोड ऑफ ऑफ इज डिफरेंट इसमें ठीक है हा हर्ष हर्ष को मेरे सारे एग्जाम्पल याद रहते हैं चलो आगे चलते हैं लिंकेज भी हमारा हो गया इसके बाद मैं क्विज कंडक्ट करने वाली हूँ छोटी सी जिसमें पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो चैट बॉक्स में एक्टिविटी को बढ़ाएंगे अपन अच्छे से कोर्डिनेट करेंगे चैट बॉक्स में नेक्स्ट आता है हाइड्रेट आइसोमर हाइड्रेट आइसोमर सेम आयोनाइजेशन जैसा ही है उसमें भी तो क्या हो रहा था कि कोई ग्रुप का भी अंदर और कभी बाहर कभी कोऑर्डिनेशन स्फेर के अंदर कभी कोऑर्डिनेशन से बाहर यहाँ पे ये कभी वाटर कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर और कभी वाटर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर तो अगर वाटर कोऑर्डिनेशन स्फे के अंदर बाहर हो रहा है समटाइम्स वाटर इज एक्टिंग एज अ इन अदर कॉम्प्लेक्स द वाटर इज एक्टिंग एज अ काउंटर आयन सो इन दैट केस वी विल से कि ये कौन सा है हाइड्रेट आइसोम तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हो गए खत्म ये कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हो गए खत्म पहला था आयोनाइजेशन कभी कोई ग्रुप लीगन की तरह करता है और कभी कोई ग्रुप जो है वो वही सेम ग्रुप काउंट्रैन की तरह करता है सेकेंड हमने कौन सा पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एनवायरमेंट एक्सचेंज इसकी टोपी उसका सर आइसोमेरिज्म थर्ड कौन सा पढ़ा था लिंकेज लिंकेज में एम्बिडेंटेड होते हैं सीधा थप्पड़ उल्टा थप्पड़ आइसोमेरिज्म ये कौन सा हो गया लिंकेज और अब कौन सा पढ़ा है हाइड्रेट वाटर जो है वो कॉर्डिनेशन फेर के अंदर भी हो सकता है और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में बाहर भी हो सकता है नाम वाम सब बदल जाएगा कौन सा आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अब ये सवाल करके बताओ विच ऑफ द दिच ऑफ द विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर्स क्विकली देखते हैं कितने बच्चों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है थ्री मार्क्स का है ये साथ साथ आपका टेस्ट चलता रहेगा इट इज ऑफ थ्री मार्क्स तीन नंबर का क्वेश्चन है ये

अर्पिता ने बोला ए मतलब नाम नहीं याद है ना तो वैसा बोल बोलते कि हाँ मैम ए वाला है ठीक है चलो गुड 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 वेरी गुड बच्चों देखो इधर क्लोरीन बाहर आ गया है और इधर दोनों क्लोरीन अंदर थे तो अगर कोई पर्टिकुलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स कोऑर्डिनेशन कोर्डिनेशन के अंदर और बाहर हो डिफरेंट आइसोमर्स में तो ऐसे आइसोमर्स को हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं इसमें बताओ कौन सा आइसोमर है बी वाले में बताओ जल्दी से कम ऑन टेल टेलमी साथ टेस्ट होता रहता है ना तो फिर है ना कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाते हैं बी वाले में बताओ कौन सा है ए वाले में तो सारे बच्चे बता रहे हैं देखते हैं बी को कौन सबसे पहले बताता है कि बी में कौन सा है, है। कौन सा लिंकेज सबसे पहले किसने बताया भाई हम्म सबसे पहले बताया है आंसर सोनल मिश्रा और सोनल मिश्रा के बाद कौन बता रहा है चलो जी तो इसका करेक्ट आंसर है लिंकेज क्योंकि देखो एस सी एन सल्फर के थ्रू जुड़ा है और एस सी एन नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा है तो इसको हम क्या कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म थर्ड वाले में बताओ कौन सा है थर्ड वाले में क्विकली बताओ थर्ड वाले में थर्ड वाले में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखो इसकी टॉपी उसके साथ प्लैटिनम के साथ में कार्बोनेटो था प्लैटिनम के साथ में इधर क्लोरो था ठीक है इधर क्या हो गया एक्सचेंज हो गया है. अमीनो एंड पीटीसी क्लोरीन था जिसमें से क्या हो गए चार उधर चले गए तो एनवायरमेंट इधर उधर हो गया मिक्स 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 हो गया मामला तो इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं अब बेटा दूसरी कैटेगरी आइसोमर्स की आ, स्टीरियो आइसोमर्स हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो कर लिए नाउ वी विल बी डूइंग स्टीरियो आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने क्या पढ़ते हो कि आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मला भी सेम होता है जिनका स्ट्रक्चर्स भी सेम होता है जिनका ना थ्री डी अरेजमेंट डिफरेंट होता है तो ये थ्री डी अरेजमेंट डिफरेंट होने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है तुम्हारी जोमेट्रिकल एक ऑप्टिकल जोमेट्रिकल में आप जानते हो, हैं इस्ट्रांस आइयोरिज्म होता है और ऑप्टिकल में आप जानते हो इन एचुमरिजम होता है तो सब कुछ वही है सिर्फ कंपाउंड अलग है तो पहला हमारा दोज आइसोमर्स विच कंटेन सेम एटम्स सेम एटम टू तो एटम बॉन्डिंग सेम एटम टू तो एटम बॉन्डिंग लेकिन डिफर द स्पेशल अरेंजमेंट

यहाँ पे ट्रांस लगे हुए हैं क्योंकि क्लोरो क्लोरो ऑपोजिट अमीन अमीन ऑपोजिट इसको समझाने की कोई जरूरत है या कर लोगे क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें हम बनाएंगे ऐसे आइसोमर्स ठीक है तो दिस वन इज क्लियर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसके अंदर सिक्स कोऑर्डिनेशन है और इसको देखो अमोनिया अमोनिया क्लोरो क्लोरो अमोनिया अमोनिया तुम तो इस क्लोरो को देखो ये सिस है ठीक है और इधर देखो क्लोरीन क्लोरीन जो है वो ट्रांस है तो सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस ये ब्लू कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है जगह लीगेंड की जगह बदलते ही क्या हो जाता है प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है अब इसको देखो ये थ्री डी फिगर में लेके आई ताकि तुमको और अच्छे समझ में आए ये सिस है सिस में ये दोनों नजदीक नजदीक है ट्रांस में दूर दूर है ठीक है सिस में नजदीक नजदीक है ट्रांस में दूर दूर है ठीक है तो ये हो गया सिस एंड ट्रांस, ट्रांस आइसूमर और एक होते हैं फेकमर कई बार फेक के मार्ग

बैलेंस बांड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और सुपर इंटरेस्टिंग डोंट मिस अ सिंगल सिंगल सेशन इतना इंटरेस्टिंग है और उतना ही मजा मुझे आता है उसको पढ़ाने में तो मैं जो कहानी बना के और जिस तरह से पढ़ाने वाली हूँ बड़ा मजा आने वाला है हाँ एक बात है टफ तो है बहुत सारे बच्चों को जल्दी से नहीं समझ में आता ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जल्दी से क्लिक नहीं होता बच्चों को बट तुम मेहनत करोगे और फोकस करोगे तुम्हें तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा तो जरूर से जरूर कल आ जाना और मैक्सिमम फ्रेंड्स को भी बुला लेना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज अमेजिंग पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वैसे तो पूरा चैप्टर ही मस्त है लेकिन कल वाला और भी मस्त है ठीक है तो एनी चलो अब इसको हमने क्या बोला फेक मर फेक मर फेक मर ठीक है अब फेक क्या है फेशियल पर क्या है मेरिडोनियल ये बेसिकली एम ए थ्री में एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ जस्ट मिनट हाँ एम ए थ्री बी थ्री टाइप के कॉम्प्लेक्सेज में मिलता है एम ए थ्री बी थ्री मतलब तीन लीगेंट एक तरीके के और तीन लीगेंट दो मतलब दूसरे तरीके के इसमें देखो अमोनिया तीन है और नाइट्रो भी तीन है अमोनिया तीन है और नाइट्रो तीन है तो अगर तुम तीन लीगेंट को एक ही साथ लगा दो और बच्चे हुए तीन लिगेंड्स को ऐसे एक साथ लगा दो तो इसमें क्या होता है फेशियल इसको हम क्या बोलते हैं फेशियल मैं तुम्हें एक मस्त चीज से आइडिया देती हूँ इसका फेशियल मेरे डोनियल का बेटा दिस इज नोन एज ऑक्टाइड्र ज्योमेट्री ये पेन देख रहे हो तुम दिस इज नोन एज ऑक्टाहाड्रल ज्योमेट्री ठीक है इसमें सिक्स कोऑर्डिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री अब अगर मैं तीन लिगेंड्स एक जैसे एक साथ लगा दूं जस्ट हैव अ लुक एट इट ये देखो अगर ये तीनों लिगेंड एक साथ लगा दूं और बचे हुए अलग टाइप के तीनों लिगेंड्स में यहां एक साथ लगा दूं एंड देन आई जस्ट टिल्ट इट कैन यू नोटिस कि बन गई है पहले के जमाने में बालकनी में बैठने की मुड्डी होती थी ये मतलब ये वाला फेस एक लिगेंड का और बॉटम वाला फेस एक लिगेंड का ठीक है ये देखो ठीक है तो बेसिकली क्या है फेस पे जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो एक जैसे आ रहे हैं ये मुड्डी के जो ऊपर टेबल है चाय रख के पीते हैं ये एक जैसे लिगेंड्स है तो किसी एक फेस पे एक जैसे लीगेंस आने का मतलब क्या है फेशियल लीगेंस फेशियल लीगेंस ओके okay? फेशियल लीगेंस क्लियर बच्चों तो ये देखो ये मुड्डी बन जाएगी मुड्डी टॉप है दिस इज मुड्डी टॉप ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे फेशियल फेशियल का शॉर्ट फॉर्म है फेक और ये क्या है अगर एक भी लिगेंड की पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो फिर सिंगल फेस पे तीनों एक जैसे लिगेंड्स नहीं आ पाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं मर इसको हम कई बार में बोलते हैं फेक के मार आइसोमर्स ठीक है आइसोमर्स के नाम अपन ने बड़े अजीब अजीब रखे हुए हैं क्या नाम है इसका फेक के मार ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे ऑप्टिकल ऑप्टिकल इज द एंड ऑफ आइसोमिज्मिकल होते हैं आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगा फिर हम क्विज़ स्टार्ट कर देंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं दीस आइसोमर्स आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हाथ होते हैं हाथों में कैरालिटी होती है ना हैंड्स में क्या होती है एक हाथ दूसरे हाथ की मिरर इमेज है बट एक हाथ का दस्ताना हम दूसरे हाथ में नहीं पहन सकते एक हाथ को हम दूसरे हाथ पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कायरियलिटी बोलते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स आइसोमर्स में ये वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजल मेरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के मोस्टली ध्यान रखना बेचा सिस वाले जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव अगर किसी का सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तो इन 99 परसेंट ऑफ द केसेस सिस आइसोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि बड़े अनसिमेट्रिकल बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ही नहीं जिससे तुम इक्वल पार्ट्स में काट सको ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें मिलेगा ही नहीं ठीक है तो ये हो गया आपका डेक्सो और वो गया लीवो। तो ये आपको सब पढ़ चुके हो आप ये येन्स जो राइट रोटेट करता है लीवो मीन जो लेफ्ट रोटेट करता है ठीक है और इसमें भी आप देख लो ये सिस सिस आइसोमर है वाले मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं मिरर इमेज बनानी होती है ठीक है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस बेटा फटाफट से दो नंबर का है टेस्टिंग भी साथ साथ चल रही है तीन नंबर का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं दो नंबर का ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ जियो आइसोम फटाफट से क्विकली इन योर कॉपीज आप करें फिर थर्टी सेकेंड्स के बाद मैं स्टार्ट करूंगी फिर आप मैच करेंगे एंड सेशन को लाइक like जरूर कर देना बच्चों बेटा कलर्स ना कलर के पीछे तो बहुत सारी चीजें होती हैं चार्ज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा सो मेनी थिंग्स लाइक मतलब इतने रीजनस है कि वो अपने आप में एक डिफरेंट केमिस्ट्री है ना टू कलर वाली आई एम यूर बिग फैन मैम यू आर सच अ गॉड फॉर मी लाइक स्टूडेंट्स लिव लॉन्ग एंड ऑलवेज बी द मोस्ट डियर टीचर ऑफ स्टूडेंट एवरी थिंग टॉट बाई इज फिटेड इन आर माइंड फॉर ऑलवेज थैंक यू सो मच ट्रू टॉक आपका नाम क्या है बेटा थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट कर लिया चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आयरन uh, ठीक है आयरन रखा अपन ने क्योंकि इसने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने को बोले तो पहले तो मैं साइनो बना लेती हूँ यहाँ पे साइनो मैच करना बच्चे दो नंबर का सवाल दिया आज के टेस्ट में ये साइनो ठीक है कौन कहता है कि ऑनलाइन के अंदर टेस्ट नहीं हो सकता कौन कहता है कि यूट्यूब के पे कोई टीचर पढ़ाने आएगा तो हमारी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी जितनी हम किसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं ये गलत है है ना हम पढ़ते भी अच्छे से हैं हम टेस्टिंग भी करते हैं क्विजिंग भी करते हैं सब कुछ करते हैं एकदम कंप्लीट सेट होता है हमारा अब इधर क्या होगा NH3 थ्री इसको डिफरेंट कलर से बनाएंगे यार सुंदर लगेगा इसको डिफरेंट कलर से बनाते हैं यार ये मैंने इरेजर चुना हुआ है एक सेकेंड रेड से बनाते हैं इसको रेड दिख रहा है क्या एन एच थ्री एंड एन एच थ्री कौन सा आइसूमर बनाया मैंने एक कॉमन सिली मिस्टेक होती है यहां पे ये कोऑर्डिनेशन स्र इस तरीके से लगाया जाएगा और माइनस इसके ऊपर चार्ज है उसको ना भूले तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉर्डिनेशन पर पूरा नहीं बनाना है बस ऐसे बना दो और ऊपर माइनस का चार्ज लगा दो दिस इज ट्रांस आइसोमर ट्रांस ठीक है और दूसरा अपन बनाएंगे सिस सिस आइसोमर कैसे बनाएंगे देखो आयरन ये अपन ने छ पोजिशन बना दी सिक्स पोजिशन बना दी सिक्स पोजिशन पे हमने इधर लगा दिया साइनो 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 और दो पोजिशन जो अगल बगल की थी कलर बदल के रेड और यहां लगा लेते हैं एन एच थ्री एंड एन एच थ्री हो गया तुम्हारा सिस सिस आइसोमर ये कोऑर्डिनेशन पेयर माइनस का चार्ज इसको हम क्या बोलेंगे अब जिन बच्चों ने ये चार्ज लगाना भूल गए जो बच्चे ठीक है और बाकी सारा सही बनाए वो एक नंबर दे दो और जो चार्ज भी प्रॉपरली लगाए हैं इसको भी नहीं इग्नोर किए हैं वो अपने आपको दो नंबर दे दो चलो आगे चले थैंक यू प्रियंका थैंक यू सो मच ठीक है टू मार्क्स का था ये क्वेश्चन इससे पिछले वाला क्वेश्चन थ्री मार्क्स का था आप करो विच वन ऑफ दू कोडिनेशन यानी ऑप्टिकली एक्टिव है ये। इन दोनों में से कौन optically active है या काल है Cis वाला या ट्रांस वाला क्विकली वन मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों फटाफट फड़ से देखते हैं कौन सा ही जवाब देता है ए या बी मुझसे केमिस्ट्री पढ़ के आपको पीएचडी करने का मन कर गया वेरी गुड परीक्षा बहुत सही चीज है रिसर्च को तो वैसे भी हमारा देश बहुत प्रमोट करता है थैंक यू विशाली कौशिक विशाली कौशिक क्या कह रही है पता है और मैम की ये वाली जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ये ऑफलाइन क्लासेस से भी अच्छी है थैंक यू सो मच बेटा सिस वाला नाइनटी मत बोलो बेटा सिस वाला हंड्रेड परसेंट ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा ठीक है दिस वन चलो जो बच्चों का सही क्वेश्चन किया वो एक दे दो नेगेटिव मार्किंग मत करो जिन्होंने गलत किया है वो जीरो दे दो चलो आगे चलते हैं फ्यू आइसोमर्स आर गिवन बिलो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम अब आपके ये वन मार्कर स्टार्ट हो गए हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव क्विज होता है वन मार्कर है ये ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपका तीन का था दूसरा दो का था फिर हमने एक का पूछ लिया अब ये एक और एक का आ गया फ्यू आइसोमर्स आर गिवन बिलो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों मार्क करो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं या फर्स्ट एंड सेकंड स्टीरो आइसोमर्स हैं। क्विकली बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है आपको जल्दी से मार्क करेंगे फटाफट से और बताएंगे क्या आंसर सही है few i repeat once more few isomers are given below few isomers are given below और ये कौन से टाइप ऑफ आइसोमर्स हैं कौन से टाइप देखते हैं बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहे हैं ए वेरी गुड बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि देखो वाटर का ही तो लोचा हो रहा है सब जगह यहाँ पूरा वाटर अंदर है यहाँ एक मोल वाटर का बाहर है यहाँ दो मोल वाटर के बाहर है पूरा जो लोचा हो रहा है वो वॉटर का ही है तो इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रेट चलो अगले पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स विल गिव प्रेसिपिटेट विद विद्यूशन लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग लगाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट दिल गिवेपिटेट विद्यूशन जल्दी से फटाफट पड़ से बताएंगे देखते हैं बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं इसमें भी ये आंसर कर रहे हैं ओके साक्षी कह रही है बी हाइड्रेट वाला हाइड्रेट वाला कौन सा है बेटा इसका क्या आंसर है बी यार ए है या बी है बेरियम सल्फेट जो बेरियम क्लोराइड के साथ तुम रिएक्शन करते हो तो ये काउंटर आयन देखो बेरियम क्लोराइड के साथ ब्रोमाइड तो क्या ही रिएक्शन करेगा इसके पास तो काउंटर है ही नहीं इसको तो गिनती में से बाहर निकाल दो भाई तू रेस में ही शामिल नहीं है बचे ये तीन ठीक है जिनके पास काउंटर आयन है

दिस एंड दिस आर नोन एज बड़ा इजी ये तो बड़ा ही इजी है सुपर इजी ये दोनों आपस में क्या है ये दोनों आपस में क्या है अच्छा नाम लिखना चैट बॉक्स में ये दोनों आपस में क्या है एबीसीडी की बजाय नाम लिखना कि क्या है

टाइप का का की चीज बता वो तुम लोगों को मैं है।, है ना वो काम करता है लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे पता है इसमें क्या कंफ्यूजन होता है व्हेन हो सकता है इट माइट बी योर प्रॉब्लम और एन डिसाइड नहीं होता पा इन दैट केस ना नाइनटी परसेंट या नाइनटी फाइव परसेंट केसेज में लेफ्ट में कैटाइन लिखा जाता है राइट right में नाइन लिखा जाता है तो यू कि इसको Uh, मतलब वो बन के क्या बोलते हैं उसको पक्का पत्थर की लकीर मान के बैठ जाओ लेकिन दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट कि कहीं अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हुआ तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा तो ये लिखना किसी जगह किताबों में नहीं लिखा होता लेफ्ट में किटाइन राइट में नाइन कोऑर्डिनेट जब दो, दोनों ही कोऑर्डिनेशन फेयर्स होंगे तो दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज होना जरूरी है अदरवाइज वो बाइंड ही नहीं हो पाएंगे ठीक है तो ऐसे तरीकों से आपको इसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा ठीक है बच्चों तो चलो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिजम इसका करेक्ट आंसर हो गया नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस इज बताइए इसके लिंकेज आइसुमर का नाम क्या होगा इन पांचों में से इसके लिंकेज आइसुमर का नाम क्या होगा क्विकली साक्षी कह रही है सी राहुल कह रहे हैं सी ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है शिवम झा बेटा स्पेशल uh, क्लासेस में वापस से अटेंड करो एक चीज में कितनी बार प्रॉब्लम होगी कितनी बार मुश्किलें आएंगी कितनी बार मुसीबतें आएंगी अपन बार बार डटके खड़े हो जाएंगे कैसे मुसीबत आ जाएगी स्पेशल में फिर से अटेंड करो है ना एंड वेन आर कोर्स विल बी कम्प्लीटेड तो ऐसे सेशन भी मैं लेके आऊंगी कन्वर्जन के टेंशन ना करो बिल्कुल भी हाँ जी तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो रहा है इसमें एम्बिडेंटेड लीगन ढूंढो ये है ठीक है यहाँ पे ये नाइट्रोजन से अटैच है अगर तुम सोचो कि भैया इसका कौन सा आइसोमर होगा जिसमें ये अपनी थर्ड क्लोराइड पेंटामीन नाइट्राइटो ओ कोबाल थर्ड क्लोराइड सी इज द करेक्ट आंसर एंड लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इनमें से कौन से पेयर ऑफ आइसोमर्स करेक्टली मैच नहीं है अपने टाइप ऑफ से गिव मी इन द कमेंट बॉक्स कल की तुमको कौन से चैप्टर पे देनी कोऑर्डिनेशन तो अभी स्टार्ट हुआ है तो ऑफ कोर्स नॉट कोऑर्डिनेशन डू यू वांट टू गिव होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्विज और यू वांट टू गिव क्विज ऑन अ स्पेसिफिक चैप्टर लाइक बायोमोलिक्यूल्स दे दो या जो भी रिसेंटली पढ़ा हो मीन्स दे दो है ना तो मुझे एक सजेशन भी डालो और सजेशन कहाँ डालना चैट बॉक्स में अभी तो दे दो कॉमन बॉक्स में आज मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं क्विज डिजाइन करवाऊंगी ठीक है कॉमन बॉक्स में मुझे आज चाहिए कि कल कल ट्यूसडे है ना क्विज डे क्विज डे के दिन विच चैप्टर डू यू वांट अ क्विज ऑन ओके सी आ रहा इसका आंसर चलो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑल कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म ये तो बिल्कुल तो, ये तो कौन सा है तो हाइड्रेट बाहर है और वॉटर अंदर है तो सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि सी इज रॉन्ग सी इज अ रॉन्ग मैचिंग सो सी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड मेरे बच्चों कितने मार्क्स का टेस्ट था एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बताओ इलेवन में से कितने मार्क्स आए हैं फटाफट से बताओ इलेवन में से आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आए बायोमोलिक्यूल्स पे ले ले प्रियंका एनी अदर प्लीज आज मैं कॉमेंट बॉक्स देखूंगी उसमें जरूर लिखिएगा कि आपको क्विज कौन से चैप्टर पे चाहिए जो होगा आई विल गो विद दैट ठीक है फिजिकल तो यार अभी नहीं पढ़ा है ना फिजिकल पे क्या करना है फिजिकल तो पढ़े हुए रिविजन कराएंगे तब लेंगे टेन आउट ऑफ इलेवन दिशा के आए हैं टेन आउट ऑफ इलेवन साक्षी के भी टेन आउट ऑफ इलेवन ऋषिराज के भी टेन आउट ऑफ इलेवन फुल मार्क्स वेरी गुड प्रिस् इलेवन आउट ऑफ इलेवन बेटा ऋषिका गुप्ता आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में नहीं था ना इसलिए अपन ने स्पेशल क्लासेस में नहीं पढ़ा था ठीक है अभी क्या बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के कोर्स में भी है तो पढ़ाना मेरा काम है पोर्टल कोई भी हो चाहे मैं स्पेशल में पढ़ाऊँ चाहे मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ हाउ डज इट मैटर इट्स फाइनली इवेंचुअली इट्स मी हु इज टीचिंग यू ना इलेवन वेरी गुड आनंद के नाइन आनंद के 9 out of 11, marks गट गए बेटा? विधि कोई बात नहीं बेटा इलेवन आउट ऑफ इलेवन प्रियंका के फुल मार्क्स बिकॉज ऑफ यू मैम थैंक यू सो मच लाइक द सेशन गाइज नाइस तो ज्यादातर बच्चों के मैं देख रही हूँ सेवन एट तो कम है ज्यादा है. Okay, I am satisfied. चलो मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं चलो जी आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए शाम को पहुंच जाना अपना डिनर विनर निपटा के मिलते हैं कितने बजे नौ बजे नौ से दस डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे आज परसों और फ्राइडे को यानी कि मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे तीन दिन में डी एफ खत्म करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में सीखेंगे बड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर मजे मजे में कर लेंगे ठीक है आगे चलते हैं ये वाले टॉपिक्स आपको स्पेशल क्लासेस में रिकॉर्डेड मिल सकते हैं डोंट फोगेट अबाउट सजेशन ऑफ दैट अन अकेडमिक कोज चैप्टर इन कॉमेंट बॉक्स राइट आफ्टर जैसे आप ये छोड़ के जाएंगे ना सेशन को आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएंगे ठीक है एंड सर्फेस केमिस्ट्री का कोर्स कल से चालू हो रहा है प्लस पे प्लस की एक बहुत खासियत रहेगी कि प्लस पे हम छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेस अब लॉन्च करते रहेंगे मेरा नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो है वो सॉल्यूशंस का होगा अभी मेरा केमिकल काइनेटिक्स रनिंग में है चल रहा है और इन कोर्सेज के बारे में इन कोर्सेज की जो रिचनेस है वो ये होगी कि इनमें पढ़ाया जाएगा पढ़ाया इस नजरिए से ही जाएगा कि बोर्ड्स में क्या क्या आता है है ना उस तरह के सवाल ज्यादा प्रैक्टिस किए जाएंगे फिर होमवर्क असाइनमेंट्स दिए जाएंगे फिर डाउट्स बच्चों के सॉल्व किए जाएंगे और फिर उनका टेस्ट दिया जाएगा तो ये छोटे छोटे कोर्सेस जैसे इस वीक सर्फिस खत्म होगा ये ये जो कंप्लीट वीक है ट्यूजडे से लेकर के संडे तक है ना इस कंप्लीट वीक में मैं सर्फिस बहुत ही स्मूथली खत्म करूंगी एंड आई एम श्योर की ये कोर्स खत्म करने का मेरे स्टूडेंट सर्फिस का एक भी आंसर गलत नहीं करने वाले

बच्चे को आ, सौ में से सौ नंबर दिलवाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है उनमें हमको वो सब फीचर्स मिलते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे हम बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं हम बच्चे के डाउट सॉल्व कर सकते हैं तो फीचर्स ही बहुत अमेजिंग होते हैं ठीक है एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आर साइड ठीक है एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे जैसे पर्सनल मेंटर पेरेंट कनेक्ट लाइव डाउट सॉल्विंग आपका वीकली रिपोर्ट आपको मिलेगा उस अकॉर्डिंग आपको स्टडी प्लानर मिलेगा एंड देन ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस तो आपको मिलेंगे इसे ये भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है सिक्स मंथ्स वाला पंद्रह हज़ार तीन सौ का है आफ्टर अप्लाइंग मस्ट ब्लस्ट कोड एम बी लाइव टेन परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा वैसे ये सेवनटीन थाउजेंड का होता है टेन परसेंट ऑफ के बाद आपको फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का पड़ेगा ठीक है तो मुझे है लगता है इसको हम एक्सपेंसिव हमें बोलना चाहिए क्योंकि छ महीने भाई छह महीने के पंद्रह हज़ार तीन सौ कोई ज्यादा नहीं है ठीक है एंड दिस इज योर शेड्यूल फॉर केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ वेयर माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका बेदी कम सात टू पी एम डेली डॉट मी स्लैश चैट पे एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस जिसपे आप जुड़ेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आप कहीं और व्यस्तता हो आपके आप तो बड़े बिजी लोग हैं है ना तो आपको याद दिला देगा ये ग्रुप कि भैया आ जाओ मोनिका मैम आ गई है या कोई सर आ गए हैं या कोई दूसरी मैम आ गई है आ जाओ बस फटाफट ठीक है क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे यही सब चीजें हैं अपना कनेक्शन ऐसे ही हो सकता है ठीक है तो क्यों लेना चाहिए तो मैं आपको काफी देर से बता रही हूँ कि एडुकेटर से इंट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है पोल्स एंड लीडर बोल्स बहुत जबरदस्त ऑप्शन है जहां पे जो हम पढ़ाते हैं उस पर सवाल पूछते हैं तो बच्चे बहुत एनर्जाइज रहते हैं पढ़ते वक्त भी बोर नहीं होते मतलब कोई टॉपिक ही बोरिंग है बच्चे ऊँग रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन कनेक्टेड है ना ऊँग रहे हैं तो टीचर थोड़ी देख पा रहे हैं लेकिन फटाफट टीचर ने सवाल पूछा बच्चे एक्टिव हो गए तो ये बहुत सही ऑप्शन है ठीक है टेस्ट सीरीज एनालिसिस बच्चों का हेजिटेशन निकल जाता है क्योंकि हर चैप्टर खत्म होगा टेस्ट होगा आधे चैप्टर पे भी टेस्ट होता है अभी जैसे मेरा एल्डी आई टी चल रहा है तो ट्वेंटी तो नाइन्थ को मैं आधे चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ फिर उसके बाद नेक्स्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में पूरे चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करूंगी तो ऐसा करके टेस्ट बहुत रेगुलराइज होते हैं मतलब तो डिसिप्लिन पढ़ाई अगर आपको करनी है तो ठीक है एंड डाउट सॉल्विंग सेशनस होते हैं और फ्रीडम टू चूज योर मेंटर होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए वहाँ पे एक सब्जेक्ट अच्छा लगा फीस भरा है तीनों सब्जेक्ट की बाकी ये तो अच्छे ही लगे टीचर्स क्या करें यहाँ पे कोई बात नहीं नहीं जमा किसी से नहीं फ्रीक्वेंसी मैचिंग चेंज करो ना बहुत सारे एडुकेटर्स हैं एक्सेस मिल गई आपको आपको एक ऐसा एक ऐसी एक्सेस मिल गई जहाँ बहुत सारे एडुकेटर्स हैं कोई एक नहीं जमरा केमिस्ट्री का कोई दूसरा ट्राई करो कोई एक नहीं जमरा फिजिक्स का किसी और एडुकेटर से भाई ऐसा थोड़ी कि सारे बेकार है अगर सारे बेकार हो जाएंगे तो फिर तो मुझे लग रहा है फिर अपन ही बेकार ठीक है मतलब स्टूडेंट हो सके किसी से भी नहीं समझ मारा फिर तो कमी किस में अपन में तो इतने ऑप्शन है इतने ऑप्शन है कि जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी हो उससे आप पढ़ सकते हैं ठीक है लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है इसके बाद आपको किस में जाना है प्लस में जाना है प्लस में जाके जा आपको इसमें से कोई भी गोल आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी गोल ठीक है जो आपका केयरफुल okay, सिलेक्ट करिएगा मुझे ढूंढने आ रहे हैं मैं सी बी एस ई क्लास ट्वेल्थ में पढ़ाती हूँ एंड क्योंकि काफी बच्चे आई आई टी जी का सब्सक्रिप्शन नीट यू जी का सब्सक्रिप्शन लेके मुझे ढूंढते हैं हर टीचर अलग अलग पोर्टल्स पर होता है तो मैं यहाँ मिलूंगी आपको ठीक है तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाए और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके टेन थाउजेंड का सब्सक्रिप्शन कितने में मिलेगा रेफरल कोड एम बी लाइव यूज़ करके नाइन थाउजेंट में मिलेगा ठीक है नाइन थाउजेंट इज़ नथिंग टू प्ले टू पे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स टू ऑल द एडुकेटर्स मतलब इतने सारे एडुकेटर्स हैं पंद्रह सौ रुपये महीना एंटायर सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स के लिए आपको नौ हज़ार रुपये में उसके बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स आपके बढ़िया ही बढ़िया होंगे ठीक है तो छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कल से मेरा सर्फिस केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है केमिकल कानेटिक्स मेरा चल ही रहा है नेक्स्ट वीक नवंबर में मैं फर्स्ट जो वीक से स्टार्ट करूंगी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करूंगी तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री दौड़ा रही हूँ अब तो आप लोग फटाफट आ जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो एंड जॉइनस ठीक है एंड डोंट फोगेट टू यूज रेफरल कोड एम बी लाइव सेशन को लाइक like जरूर कर देना शेयर जरूर कर देना बच्चों ठीक है अभी मेरे जाने का समय हो गया है आज शाम को मैं आ रही हूँ माइक्रो कोर्स के साथ प्रारंभ है ना डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नौ बजे आना नहीं भूलिएगा और हल्ला कर दो जितने फ्रेंड्स को बता सकते हो बता दो ठीक है बहुत सारे फ्रेंड्स ले आना लाइव मजा आ जाएगा ठीक है बच्चों चलो बाय बाय बच्चों क्विज कब है क्विज ब... तो कल है ना क्विज ट्यूजडे होता है ना अपना इज ट्यूजडेड फॉर क्विज चैप्टर आप बताएंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में चलो बाय बाय विभूति क्या कह है मैम योर बेस्ट आई वॉज सो वेरी नाउ आई हैव यू एंड योर वीडियोज हंड्रेड परसेंट थैंक यू मैम My pleasure, Vacho, my pleasure. It's such a it's you know, it's such a good feeling to hear that from you guys. When we put effort and you appreciate it, it's amazing.